बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे, और हमें भी अपने घरों में आबाद रखे और खुश रखे। और अल्लाह ताला हमको बार बार अपना घर दिखाना नसीब करे, आमीन। जो लोग देखा है वो भी देख, अल्लाह ताला उनको भी बुलाए, और जो नहीं गए उनको भी अल्लाह ताला बुलाए। तो चलें जी, हम अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि आप मेरा चैनल लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि जो मेरी अगली आने वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और जो आज का मेरा ब्लॉग है उसमें मैं आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने ईद की शॉपिंग में क्या क्या खरीदा है अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। चले स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी बेटी की शॉपिंग पे। ठीक है जी, ये मैं आपको अपनी बेटी के ड्रेस दिखाने लगी हूँ। ये देखिए आप मेरी बेटी का ड्रेस। ठीक है, ये देखिए मेरी बेटी का ड्रेस। ये देखिए, ये है मेरी बेटी का ड्रेस। ये फुल, ये है नीचे वाली शर्ट, इस पे नेट लगी हुई है, और ये है ऊपर से वेस्ट कोट स्टाइल की शर्ट, और इसके ऊपर जी सितारी का वर्क हुआ है, और ये है नेट के बाजू, और ये आगे कफ बने हुए हैं। ये देखिए, और ये भी नेट है ये जो, ठीक है, और ये नीचे लेस लगी हुई है। ये मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर पर्ल और स्टोन का काम हुआ हुआ है, और ये देखिए। और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है। ठीक है, तो और ये भी बताना है कि ईद के पहले दिन हम कौन सा ड्रेस पहने। और ये है इसके साथ स्कर्ट। ठीक है, ये इसकी होगी स्कर्ट। ये देखिए स्कर्ट। ठीक है, ये चुनट वाली है। देखिए इसके ऊपर लैस, ये लैस लगी हुई है, ये सारी प्लेट्स वाली चुनट डली हुई है। ये इसकी बेल्ट है, और ये इसके साथ शॉर्ट्स भी है। ठीक है, निक्कर, जिसे हम निक्कर भी बोलते हैं। ये मेरी बेटी की पहली ड्रेस। अब मैं आपको इसकी दूसरी ड्रेस दिखाती हूँ, और ये पहली ड्रेस के साथ सब चीज़ें भी मैं साथ साथ दिखा देती। ये पहली ड्रेस के साथ इसका क्लच साथ ही मिला था, छोटा सा हैंड बैग है, ये देखिए छोटा सा है। इसमें वो अपना खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें, कैंडीज वगैरह, टाफियाँ वगैरह डाल सकती है। ये साथ इसके चैन की बेल्ट लगी हुई है। ठीक है, ये भी कितना प्यारा है। और ये इस ड्रेस के साथ पिन है, ये देखिए पिन, इसे मैं रख के दिखाती हूँ आपको पिन। ये पिन है, ये साथ इसके फ्रिल लगी हुई है। ये अभी मेरी बेटी 2 साल की है, छोटी सी है, उसके बाल भी छोटे छोटे से हैं, तो मैं उसके बोनी करके तो फिर ये पिन लगा देती हूँ, तो वो बहुत ही प्यारी लगती है, जैसे वो जूड़ा स्टाइल बन जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये इसका सेकंड ड्रेस है, वाइट कलर का, वो भी वाइट और पिंक है। ये देखिए, ये मोटिव लगे हुए हैं, और ये देखिए ये नेक पे भी मोटिव लगा हुआ है, मतलब लेस लगी हुई है, उसके ऊपर स्टोन लगे हुए हैं, और ये भी पर्ल और वो छोटे छोटे स्टोन जो मकैश टाइप होते हैं वो लगे हुए हैं। और इसके बाजू पे ये देखिए चुनट वाली बाजू, और इसके साथ जो है, इसके साथ ये पैंट है ब्लैक कलर की। ये इसकी बैग पे नेक्स्ट बना हुआ, नेक्स्ट लिखा हुआ है। ये ड्रेस होगी,
और एक ये है मेरी बेटी की ड्रेस, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए येलो कलर की, ये देखिए ये इधर लेस लगी हुई है, ये भी नेट का है और ऊपर बारीक स्टोन लगे हुए हैं, इसके ऊपर भी स्टोन लगे हुए हैं इधर, और ये देखिए फ्रिल लगी हुई है और इधर भी लेस लगी हुई है और ये भी फ्रिल लगी हुई है। देखिए पूरा ड्रेस दिखा देती हूँ मैं आपको। पूरा दिखाती हूँ, ये देखिए पूरा ड्रेस, ठीक है। और ये है इसके साथ टाइट्स, पजामा है इसके साथ टाइट्स। ये देखिए ये इस ऊपर लगी हुई है, स्टोन लगे हुए हैं, कलरफुल लगे हुए हैं। ये देखिए वो मकैश टाइप जो होते हैं ना, वो वाले लगे हुए हैं। ये एक ये ड्रेस हो गया और इसके साथ ये वाली पिन है, व्हाइट वाले सूट के साथ जो शर्ट वाली है ना उसके साथ नहीं मैंने कुछ भी लिया, क्योंकि मेरे पास घर में पहले से भी काफी ज्यादा पिन्ने वगैरह मौजूद है, तो मैं उनमें से कोई भी लगा दूंगी। एक ये इसके साथ येलो पिन है, ये देखिए इसके पीछे भी ये ऐसे लगी हुई है, तो छोटे छोटे बालों पे ये लगाई हुई बहुत प्यारी लगती है। और छोटी सी मेरी बेटी है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। ये हो गई, और मैं अब इसके आपको सैंड जूते दिखाती हूँ। ये देखिए जूते, ये है इसके जूते, देखिए वाइट कलर के, ये तीनों ड्रेस के साथ मिल जाएंगे। वैसे इसके और भी हैं लेकिन मैंने वाइट लिया है, क्योंकि इसका वाइट पहले भी जूता था वो खराब हो गया था, तो फिर मैंने ये वाइट कलर का जूता लिया है। और एक जूता मैंने और लिया है, वो भी मैं आपको दिखा। ये देखिए मेरी बेटी का जूता खुस्सा है, ये मुझे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बाहर ही स्टॉल लगा हुआ था, तो वो मुझे जूता ये बहुत पसंद आया, खुस्सा है ये, तो फिर मैंने ये अपनी बेटी के लिए ले लिया। इसको मेरी बेटी को भी ये बहुत पसंद है जूता, तो पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। ये किसी ड्रेस के साथ नहीं है, जिसके हर किसी के साथ भी पहन सकती है, लॉन के सूट है इसके तो उनके साथ भी पहन सकती है, वैसे भी पहन सकती है, लेकिन ईद के लिए नहीं मैंने ये खरीदा, ये वैसे मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ, ठीक है। अपनी शॉपिंग में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने अपने ड्रेस लिए हैं, तो ड्रेसेस जो है ना मेरे, मैंने 3 सिलाई करवाए थे लेकिन अभी 2 आए हैं, तो मैं 2 दिखा दूंगी, और जो तीसरा है वो क्या कहते हैं अभी मेरी दर्जन के पास ही है, वो मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी, ठीक है जी। ये है मेरा ड्रेस, देखिए मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। जी ये है मेरा ड्रेस, देखिए ये इसके ऊपर काम हुआ है, ये मैं आपको क्लोज करके भी दिखाती हूँ। ये पहले मैं आपको पूरा ड्रेस दिखा रही हूँ, ठीक है, ये पूरा ड्रेस दिखा रही हूँ, तो फिर मैं आपको क्लोज करके भी दिखाती हूँ क्या। और मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा ड्रेस अच्छा है या नहीं, ठीक है। और ये भी बताना है कि कमेंट्स में कि पहले दिन मैं कौन सा ड्रेस पहनूं और सेकंड डे कौन सा पहनूं। मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ, फिर मैं ये क्लोज करके दिखाऊंगी और दूसरा भी दिखा देती हूँ। और जो थर्ड वाला सूट है ना, वो भी मेरा स्टिच होके नहीं आया, वो ब्लैक और ना कत्थी शेड में है, यानी कत्थी शेड होती है, ऑरेंज ऑरेंज शेड, ऑरेंज और येलो मिक्स शेड है उसका दुपट्टा है, और ब्लैक कलर की शर्ट है। तो अब मैं जो दूसरे वाला सूट है वो मैं दिखाती हूँ आपको, है मेरा दूसरा सूट, ये देखिए इस पे ये सितारे का काम हुआ है, ये भी लॉन का है, ये फैंसी में आ जाता है, ठीक है। ये देखिए सितारे का काम हुआ है, और इसका गला भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसका गला, ये देखिए इसके ऊपर बटन लगे हुए हैं, और ये सारी सितारी हुई है, और ये ऊपर हैंड वर्क हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको, और ये इसके स्लीव से, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ना ये तंग रखवाए हैं, यानी कि
खुले नहीं लिखवाए मैंने, ये देखिए इसके ऊपर ऐसे है। अब मैं आपको ये क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका दामन है और ये मैंने इस पे लटकन लगवाई है, आपको लटकन नज़र आ रही होगी। ये मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं, स्टोन लगे हैं और धागे का काम और तिल्ले का काम हुआ हुआ, ठीक है। ये देखिए जी, अब इसका मैं गला दिखाती हूँ। गले पे काम नहीं हुआ था, गला सिंपल ही था तो वो सिंपल अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसके साथ ये लैस ला के दी लैस ला के दी। और ये देखिए इसका गला, तो वो ऐसे ही लगता जैसे वो सेम काम हुआ। और इसके ऊपर भी मैंने लटकन लगवाई है बटन के, यानी कि बटन के तौर पे, बटनों के तौर पे, ठीक है। इसके बाजू जो है वो मैंने देखे, इसके बाजू मैंने खुले बाजू बनवाए हैं क्योंकि ये पठानी स्टाइल है, इसका ड्रेस बना हुआ है तो ये। और इसका मैं आपको, ये ट्राउज़र जो है इसका प्लेन है, ठीक है। ये बेल बॉटम बनवाया है, ये इसकी नीचे से इनर है क्योंकि ये पेपर पेपर कॉटन का है, ये आप रेशमी ना समझिएगा, ये पेपर कॉटन में है। और ये है इसका दुपट्टा, ये मैंने सारे फ्रंट पे मैंने ये वाली लैस लगवाई है, वन साइड ये वाली लैस लगवाई है और थ्री साइड ये वाली लगाई, तीनों तरफ मैंने ये छोटी वाली लैस लगवाई है। और ये मैंने ना फ्रंट साइड पे लगवाई है। और ये देखेंगे, अभी मैं खोल के तो नहीं दिखा सकती, जब मैं ये पहनूंगी तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। और जो सेकंड वाला सूट है वो भी मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसके नेक जो गला है ना इसका बना हुआ, इस पिस्तारी का काम हुआ है। और ये देखें, ये मोती लगे हुए हैं, ये बटन लगे हुए हैं, ये देखें ये हैंड वर्क हुआ है इसके ऊपर, ये भी लॉन का ही है। और ये इसके बाजू, उसके बाजू मैंने खुले रखवाए हैं और इसके मैंने तंग रखवाए हैं। ये देखें, ये फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर, सितारी धागे की और तिल्ले की हुई हुई है। और ये देखें इसका दामन, ये मैंने शलवार कमीज बनवाई है। और वो जो पहले वाला सूट है वो मैंने बनवाया है, फ्रॉक बनवाई है। और ये मेरी ये वो वाली फ्रॉक जो है ना वो रेडीमेड नहीं है, वो मैंने अपनी दर्जन से स्टिच करवाई है। मैं टेलर से स्टिच नहीं करवाती, मेरी दर्जन है, मैं दर्जन से स्टिच करवाती हूँ। देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ, क्योंकि जो टेलर है ना वो बहुत पैसे लेते हैं और जी हम इतने पैसे दे नहीं सकते, तो हमने दर्जन रखी हुई है, दर्जन से सिलाई करवाते हैं। और ये मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ, इसका दुपट्टा जो है इसका भी प्लेन ट्राउज़र है, देखिए ये भी बेल बॉटम ट्राउज़र है। और ये है इसका ऑरेंज कलर का दुपट्टा, ये ऊपर कढ़ाई हुई हुई है, एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये भी इधर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये मैंने लेस साथ लगवा दी, फोर साइड पे मैंने लेस लगवाई है। ये देखिए कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है, शॉकिंग और ऑरेंज। ये मैंने इसके ऊपर वो भी एजिक भी लगवाई है, जिसको लोग पाइपिंग एजिक पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, तो जो मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यही बस मेरी शॉपिंग है, जूते भी हैं, जूते नहीं मैंने अभी लिए, वो मैं जब लूँगी फिर वो मैं आपको दिखाऊँगी। और अब मैं जी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मैं ईद वाले दिन कौन सा ड्रेस पहनूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज चांद रात है और जी मैंने मेहंदी भी लगवा ली हुई है, मेहंदी देख रहे होंगे आप, मैंने बस इतनी सी मेहंदी लगवाई है, ज़्यादा नहीं लगवाई है। तो आप कह रहे होंगे मेरे हाथ वीडियो में आ रहे होंगे, तो आप कह रहे होंगे कि इन्होंने ईद से पहले ही मेहंदी लगवा ली है, तो जी चांद रात है तो फिर मैंने मेहंदी लगवा ली थी, क्योंकि फिर वो
ड्राई होगी फिर मैंने उतार दी थी, फिर मैंने वीडियो बनाई है। तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है मेरी वीडियो कैसी बनी है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, और ताकि मेरी जो अगली आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और मुझे मेरी ईद की शॉपिंग के बारे में बताना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है। और अब मैं अपना व्लॉग इधर ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ईद के दिन की जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो जो मैं जिस जिस चीज़ की वीडियो बना सकी तो मैं आपको वो रूटीन शेयर आपके साथ करूँगी। और जी फिर मैं आपके साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग्स में। तो आप अब मुझे काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, और अल्लाह हाफिज़।